अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सब चीज़ हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आज यानी कि 26 अक्टूबर को ये प्रदर्शन मंडी पर्षद के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसमें लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि सबकी डिमांड अलग अलग थी। पीईटी का रिजल्ट कब आएगा, लेखपाल का आवेदन कब से होगा, जूनियर इंजीनियर 2018 कब से होगा और सारी भर्तियों के बारे में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आगे क्या हुआ। आप हो सकता है मुझे नहीं जानते यादव जी, हाथ मत अगर ये आचार संहिता लग जाएगी क्या दिखा के दिखा देंगे जो 5 साल से नहीं कर पाए हमारे चाहे सचिव साहब से मिलो चाहिए तो बहुत बार मिल गया। प्रवीर कुमार जी बाहर आके इंटरव्यू देते कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, ऐसे लेकिन ये ड्यूटी वाले नहीं है, अधिकार वाले इनका अधिकार है। वोट दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ये भी यही चाहे। सर ये एक बार बता दे क्यों नहीं करा रहे परीक्षा, साफ निकल के बताए तो कि हम नहीं करा पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा कुछ, हम बेकार हैं। सब बोल दे तुरंत आके बाहर, हम लोग कभी नहीं आएंगे। क्लियर सबके सामने वीडियो में बताओ, चेयरमैन आके बताए कि हमको रोका गया है। चला गया जवाब से यहाँ पे यहाँ पे जब धरना आगे बढ़ने लगा तो आयोग को सारी स्थिति पता चल गई और उसने पुलिस फोर्स बुला ली, और पुलिस वैसी जिसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इतना बात विवाद आगे बढ़ गया कि उन लोगों ने चैनल को बंद कर लिया और सारे कैंडिडेट बाहर, बीच में पुलिस और भीतर अधिकारी थे। यहाँ पे जब अधिकारियों ने इसे समझ लिया कि अब ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, तब जा कर के वो चर्चा से बाहर आए। उससे पहले ये वाली वीडियो जरूर देखें। दिख ही नहीं रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो। अच्छा। पूरी करो, पूरी करो। दो बच्चों की मारती। पूरी करो, पूरी करो। 5 साल होने को है। अध्यक्ष होंगे तो क्या बताएं? 5 साल होने को है। अध्यक्ष होंगे तो क्या बताएं? 5 साल होने को है। अध्यक्ष होंगे तो क्या बताएं? मंडी पर्षद की कोई है ही नहीं। कोई नहीं। ये सब बोलिए भाई। ये सब बोलो। बोलो। आ गया जी।
की परीक्षा थी, एसओ की परीक्षा थी, एसओ की परीक्षा थी, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, एसओ की परीक्षा थी, एसओ की परीक्षा थी, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं। अध्यक्ष जी हमारे लोअर टू की भर्ती, लोअर टू की भर्ती मंडी परिषद रिजल्ट जारी करो, मंडी परिषद रिजल्ट जारी करो, जारी करो। बोलो बोलो मंडी मंडी बोलो 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 भारती पूरी करो, पूरी करो, एसओ की भारती पूरी करो, पूरी करो, एसओ की भारती पूरी करो, पूरी करो, एसओ की भारती पूरी करो। सोते जगदा पांच साल हो देखो सोते जगदा नौवा टुकी भारते पूरी करो, पूरी करो, नौवा टुकी भारते पूरी करो, पूरी करो, एसओ की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, एसओ की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, एसओ की परीक्षा दी थी जारी करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा दी थी कोशिश करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा दी थी कोशिश करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा दी थी कोशिश करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा तिथि कोशिश करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा तिथि कोशिश करो, कोशिश करो, एसओ की परीक्षा तिथि कोशिश करो, कोशिश करो, मंडी परिषद का परिणाम जारी करो, जारी करो, मंडी परिषद का परिणाम जारी करो, जारी करो, लोअर टू की भर्ती पूरी करो, पूरी 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 करो, पांच साल होने को आए पे हर तरह के नारे भी लग रहे थे। और जब आयोग को पूरी तरह से ये पता चल गया कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं लौटने वाले हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ बातें कहीं। वो बातें क्या थी पहले आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। एक तारीख से सात तारीख तक ये बंद हो रहा है, दिवाली दिवाली तो सात से लेकर के फिर वर्किंग चालू होगा और 15 से लेकर रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा मंडी परिषद का पहले पहले एक एक बात एक एक चीज होगा, जैसे हम वहाँ वार्ता किए उसी हिसाब से आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा रिजल्ट जो है 15 से पहले कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 15 नवम्बर से 15 को 16 को भी निकल सकता है या 17 को या 20 को भी निकल सकता, उसके बीच में 7 से 15 तक के बीच में इन्होंने जो कंक्लूजन निकालना है निकाल लेंगे, 15 से रिजल्ट निकलना शुरू करेंगे। और जितने भी रिजल्ट हैं चाहे कोई भी रिजल्ट हो 21 दिसंबर के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं बचेगा जो पुराने। जो बात अंदर हुई बताया जा रहा है कि एक लाइन में आप समझिए कि 1 से 7 तारीख तक, मतलब नवंबर 1 से 7 तारीख तक
कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि इस समय तक आयोग की छुट्टी है, आयोग पूरी तरह से बंद रहेगा, आप वहां पे जा भी नहीं सकते, केवल सब कुछ बंद रहेगा बाहर से। यानी कि जब 1 से 7 तक छुट्टी हो जाएगी तो 8 से आयोग खुलेगा और 8 के बाद जो 15 नवंबर आएगा तो 15 नवंबर से रिजल्ट आने शुरू होंगे, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, जैसे कि जो पुराने रिजल्ट हैं जिनमें केवल रिजल्ट आना बाकी है या फिर PET का रिजल्ट है, ये 15 नवंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक बड़ी अपडेट है कि आपका जो PET का रिजल्ट है अब 15 नवंबर तक नहीं आने वाला है, यानी कि क्लियर कट है कि लेखपाल की भर्ती पूरी तरह से फंसने वाली है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर तक जितने भी रिजल्ट होंगे हम सबको निकाल देंगे, यानी कि 31 दिसंबर तक ये परीक्षा नहीं कराएंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले कई वीडियो में बताया है, तो 31 दिसंबर तक इनका क्लियर कट फार्मूला है कि केवल हम रिजल्ट जारी करेंगे। 31 दिसंबर ISO क्या बताएं अभी बता आपको बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम कभी भी रिजल्ट की बात एग्जाम की बात आई है एग्जाम इन्होंने कहा है। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जाम जो ये करा रहे हैं इसे एग्जाम ये अभी कराने में सक्षम नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जो सरकार की देखिए ये अपनी मर्जी नहीं करेंगे, सरकार को अपना वो निकालना है, हवा देना है कि उनको हमें ये करना था। आप भी थे हमारे साथ, ये सब लोग भी थे, सब लोगों ने, मैं तो कम बात किया आप लोगों को, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं अगर बोलता तो शायद वो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर बात करते तो उन्होंने एग्जाम के बारे में कहा एग्जाम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जैसे ये पेट वाला है रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद उन्होंने एनएम का जो है वो निकालेंगे। लेखपाल वाली अभी नहीं निकाल पाएंगे, उसमें इसलिए नहीं निकालेंगे कि लेखपाल पे कुछ विवाद है, उसमें विवाद वही CCC का नियमावली में उनके CCC है नहीं और ACCC इनको रिक्वायरमेंट भेज दिया है। अगर ये निकालते हैं तो वहाँ पे कंट्रडिक्ट भी हो जाएगी, कोर्ट में मैटर जाएगा, इससे पहले भी द्रामिका सरकारी में भी हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि नियमावली को ही फॉलो किया जाता है, नियमावली से ही भर्ती होती है और जब नियमावली वो अमेंड करके दे देंगे तभी भर्ती निकलेगी, चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन। तो ऐसे ही सभी एग्जामों का कोई भी एग्जाम जो है ये अभी इधर नहीं होगा दिसंबर में। इन्होंने क्लियर कट कर दिया कि आयोग परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, कोई भी एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा, दिसंबर तक हम केवल रिजल्ट ही निकालेंगे। यहाँ पे PET के रिजल्ट के बाद अगर किसी भर्ती का आवेदन शुरू होता है तो वो होगा ANM वाली भर्ती का, जिसमें कि 9000 के आसपास पद हैं। लेखपाल वाली में इन्होंने बताया कि जो लेखपाल की नियमावली है उसमें CCC के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आयोग CCC को अनिवार्य करना चाहता है। तो जब नियमावली में नहीं है और अगर हम अनिवार्य करेंगे तो ये भर्ती कोर्ट में चैलेंज होगी और वहाँ पर ये भर्ती फंस जाएगी, जैसे कि और सारी भर्ती प्रक्रियाओं में हुआ। तो इसलिए लेखपाल की भर्ती पूरी तरह से रुक गई है। अब जब चुनाव 20 दिसंबर के आसपास चुनाव आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा तब इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और जब चुनाव हो के कोई भी पार्टी आएगी, चाहे ये आए या फिर कोई भी मुख्यमंत्री आए, तो लगभग 4 महीने तक कोई नहीं देखने वाला, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल तक सरकार बनेगी, उसके बाद 4 महीने कोई कुछ नहीं करेगा, PET का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। PET पूरा फर्जी हुआ 2021 का, पूरी तरह से धोखा हुआ है कैंडिडेटों के साथ। यहाँ देखेंगे तो इतने सारा टाइम बीत गया, इतना पैसा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं इसके लिए आयोग के साथ ये पूरी सरकार भी जिम्मेदार है। इसके बाद आचार संहिता का उन्होंने निकाला हुआ था चार्ट, देखिए आचार संहिता किसमें होता है, आचार संहिता किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर लागू नहीं होता, वह होता नेताओं के ऊपर है, सिर्फ नेता उसमें कोई एडाक बेस पे, उन्होंने दिखाया है जो इलेक्शन कमीशन का निकाल करके पेश कर रहा है, कोई एडाक पे नियुक्ति नहीं करेंगे, नियुक्ति पत्र वितरण भी नहीं करेंगे, कोई मंत्री हो नेता हो मंत्री ये नहीं करेंगे, लेकिन आपका विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी है, अगर वो संतुष्ट है तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसमें कोई आचार संहिता का कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा इनको देखिए आचार संहिता तो नई वैकेंसी में लगता है, इसमें नई वैकेंसी में भी लगता है जो सरकार विज्ञापित करती है उसके लिए, ये तो ऑलरेडी घोषित हो चुका है ना, अधियाचन भेजे जा चुके हैं, इनके पास आ चुका है, तो ये काम करेंगे। इन महाशय का कहना है कि आचार संहिता से कोई भी भर्ती कभी भी प्रभावित नहीं होगी, दिसंबर के बाद हम परीक्षा कराना शुरू कर देंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये खुद मूर्ख हैं या फिर परीक्षार्थियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यूपी जैसे स्टेट में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पिछली बार 7 चरणों में हुआ था। इस बार कई कानून व्यवस्था वाली बात है, जैसे कि किसान आंदोलन और भी कई सारे पॉइंट है, तो उनको देखते हुए उम्मीद है कि 8 चरणों में चुनाव होगा। जब हर जगह रैली और जो रैली होगी नेताओं की, ये चरम पे चल रही होगी, पुलिस प्रशासन उसको देख रही होगी, तो क्या कहीं कोई परीक्षा होगा तो पुलिस अपना कोई भी सिपाही वहाँ भेजेगी? कोई भी परीक्षा कोई कैसे करा लेगा? और मान लीजिए जब 7 चरणों में ही चुनाव होने वाला है, तो अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हो रहा है, तो उस स्टेट में कहाँ से ये परीक्षा करा सकते हैं? इसी तरह हर एक गैप, 2-4 दिन गैप के अंदर अंदर हर जगह चुनाव होते रहेंगे और कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आयोग का सीधा सीधा फार्मूला है कि किसी तरह दिसंबर आए और ये भर्ती सारी रुक जाए। आयोग ने साफ साफ कह दिया कि हम इसे कराने में सक्षम नहीं है। अब कैंडिडेटों को ही देखना होगा कि उनको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, यूपी SSSC में कोई भी भर्ती फाइनल नहीं होने वाली है। तो यही है आज की पूरी अपडेट। आप इसको कैसे देखते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।